ये पेपर आपका शिष्य है एलएलबी मोशन मिस्टर का लेवर है क्रिस्टियन लाल। इसी में और चैप्टर के साथ ये चैप्टर में आया है आपका औद्योगिक विवाह अधिनियम 1947 आज भी। तो औद्योगिक विवाह अधिनियम मतलब अगर कोई आदमी उद्योग लगाता है कारखाना लगाता तो निश्चित है उसमें व्यक्तियों का समूह होगा, तमाम उसमें कार्य किए जाएंगे, तमाम उसमें स्टेप होंगे और आपस में कुछ ना कुछ विवाद की स्थिति तो आती ही रहेगी, ठीक है ना। उसी को निस्तारण के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 बनाया गया है, ठीक है ना। अब औद्योगिक विवाद का जो निस्तारण होता है वो ट्रिब्यूनल मतलब न्यायाधिकरण के द्वारा होता है, ठीक है। और किसके आधार पर होता है कि पक्षकार के सामर्थ्य के आधार पर या राज्य सरकार के निर्देशानुसार। अभी कोई औद्योगिक जो विवाद होता है वो जो है वो ट्रिब्यूनल के द्वारा न्यायाधिकरण के द्वारा उसका निर्णय होगा, ठीक है ना। उसके द्वारा जो भी निर्णय होगा निर्णय होता नहीं है, उस निर्णय को क्या बोलते हैं पंचायत, क्या बोलते हैं पंचायत बोलते हैं, ठीक है ना। एवार्ड एवार्ड बोलते हैं इसको, पंचायत कहते हैं, निर्णय नहीं है। और वो कितने साल तक प्रभावी रहेगा 1 ईयर के लिए वो प्रभावी हो जाएगा, 1 साल, ठीक है, 1 साल के लिए वो जो है प्रभावी होता है, ठीक है ना। अगर कोई मामला ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है तो उस पीरियड में आप हड़ताल जो है और तालाबंदी नहीं कर सकते। उसमें ये है कि नियोजन और जो भी कर्मकार के बीच में जो भी विवाद होते हैं अगर उसके संदर्भ में न्यायाधिकरण में कोई विवाद लंबित है उस पीरियड के लिए जो है हड़ताल और तालाबंदी नहीं कर सकते, ठीक है ना। और हड़ताल और तालाबंदी अगर आप इस करना है तो आप कम से कम 7 दिन पहले या 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा नियोजक को, ठीक है ना, कि इस मामले को लेकर के हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। ये प्रावधान इसलिए लागू किया गया है, मान लीजिए नियोजक प्रयास करके हो सकता है समस्या का समाधान ही कर दे और हड़ताल करने की जरूरत भी न पड़े, इसीलिए विदाउट नोटिस अगर कोई हड़ताल होती है वो मान्य नहीं होती, आपको नोटिस देना आवश्यक है और भी 14 दिन पहले ही नोटिस देना है। तो इस तरह से है, ठीक है ना। और अब बात आती है कि कौन से संस्थान उद्योग की श्रेणी में आएगा, उन्हीं का पूरी बात इसमें जाएगा न्यायाधिकरण में, तो कौन से जो है मामले जो है वो उद्योग के श्रेणी में आएंगे, ठीक है ना, उद्योग की श्रेणी में आने वाले संस्थान, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। देखिए ये बहुत ही जो है लंबा मतलब बहुत ही व्यापक क्षेत्र है कि कौन संस्थान जो है वो उद्योग की श्रेणी में आएंगे कौन नहीं आएंगे, ठीक है ना। जैसे सामान्यतः कोई जो है न्यास इस तरह से स्थित है जिससे आम जनता का हित होता है, ठीक है ना, और उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होती है और उसका संचालन किस तरह चलता रहे, ऐसे संस्थान जो है वो उद्योग की श्रेणी में नहीं आए, ठीक है। अब बात आती है कि जो आपके एजुकेशनल संस्थान है, ठीक है ना, विश्वविद्यालय है, डिग्री कॉलेज है, ये भी जो भी है जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो उद्योग की श्रेणी में नहीं आएंगे या आएंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट था सुप्रीम कोर्ट का कि वो लोग जो है उद्योग की श्रेणी में नहीं आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी जल्दी ही उसका जो है अब सुप्रीम कोर्ट तो भाई अपने निर्णय होता है उसको पलट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इज सुपर बॉस, ठीक है ना, वो आज कह रहा है हाँ ये बात सत्य है और नेक्स्ट कुछ दिन बाद में कह सकता है नहीं ये बात सत्य नहीं ये बात सत्य है, कि वो सुपर बॉस है, तो सुपर बॉस के आगे कोई बात तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कहा पहले कहा था एक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय का एक मुकदमा था दिल्ली बनाम जो है रामनाथ ए आई आर 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी शिक्षण संस्थान है वो उद्योग की श्रेणी में नहीं, लेकिन लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपनी वर्डिंग बदल दी, सुप्रीम कोर्ट को पावर है अपनी वर्डिंग कब बदल दे, ठीक है ना, समय पश्चिम संसार है सुप्रीम कोर्ट सुपर
प्रवास बदल सकता है। तो उसने कहा नहीं, विद्यालय ही उद्योग की श्रेणी में अब आएंगे, और वर्तमान में तो आप जान ही रहे उद्योग की श्रेणी में आएंगे, कॉलेज के खोल रहे हैं। तो मेन ऑब्जेक्ट है बिजनेस, वही हाल आपका चिकित्सा है, मेडिकल भी लाएगा आपको उद्योग की श्रेणी में, ठीक है ना। पहले था जन समुदाय के सामान्य हित के लिए था, ठीक है ना, उद्योग की श्रेणी नहीं था, लेकिन आज है। तो ये आपकी एक रूलिंग है, इसमें है कि मंगलौर वाटर सप्लाई कंपनी बनाम जो है, और ये है इसमें कहा गया नहीं विद्यालय की जो है उद्योग की श्रेणी में, सुप्रीम कोर्ट पुरानी वाली को बदल दिया इस तरह से जो है अब। और इसमें जो भी कर्मचारी हैं वो कर्मकार के रूप में माने जाएंगे, और उसमें ये आपका औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होगा। जब तक उद्योग की श्रेणी में आपका संस्थान नहीं आएगा तब तक ये औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आपका निपटारा, कोई मामला है, कोई विवाद है, वो नहीं होगा, ठीक है ना। ये उद्योग की श्रेणी में पहले आना चाहिए, तभी ये जो है अधिनियम आपका लागू होगा, ठीक है ना। अब इसमें जो है, अब उद्योग के संदर्भ में अगर कोई विवाद होता है उसमें एक समिति बनाई जाती है, इसके सेक्शन का सेक्शन 3 का, इसी औद्योगिक विवाद अधिनियम के जो है 3 सेक्शन के तहत जो एक कार्य समिति बनाई जाती है, जो कि नियोजक और कर्मकारों के बीच को सामंजस्य को बनाए रखे, ठीक है ना। वो समिति जो है ये कार्रवाई करते हैं, जिससे सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए और कारखाने का जो संचालन जो है सुचारू रूप से चल रहा है, और उत्पादन होता रहे और किसी साथ अन्याय न। एक सेक्शन में और है कि इसमें एक अधिकारी की नियुक्ति हो जाती है समझौता अधिकारी, ठीक है ना। कोई विवाद है वो समझौता अधिकारी के पास लोग जाते हैं, और वो समझौता अधिकारी जो है निर्देशानुसार समझौता कराने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन 1(5) है आपका, इसका है समझौता बोर्ड। समझौता बोर्ड की स्थापना होती है, उस बोर्ड में कुछ नामित सदस्य होते हैं, उस बोर्डों के द्वारा जो अभी समझौते का प्रयास किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 6 आपका आता है जांच न्यायालय, ठीक है ना। अगर मान लीजिए समझौता नहीं हुआ तो ये सेक्शन 6 तहत जो है वही जांच न्यायालय होता है, वो विवाद के संदर्भ में जांच करेगा, ठीक है ना। और सेक्शन आपका 7 है श्रम न्यायालय, लेबर से संबंधित श्रम न्यायालय है। अगर किसी लेबर के साथ जो है कोई जाति हो रही है, कोई उसका भुगतान नहीं कर रहा नियोजक या उसके जो भी कहते हैं, तो वो श्रम न्यायालय में एप्लीकेशन दे करके और जो है नियोजक को तलब करा सकता है और उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करा सकता है, ठीक है ना। और इस तरह से एक अधिकरण 7(5) के अंतर्गत जो है एक अधिकरण होता है, नया अधिकरण, ठीक है ना। अब नया अधिकरण में कौन कौन सदस्य होते हैं उसके संदर्भ में आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। पीठासीन अधिकारी, ठीक है ना, उसमें पीठासीन अधिकारी की जो नियुक्ति होगी वो राज्य सरकार के द्वारा होगी, ठीक है ना। उसमें कौन लोग होंगे, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके रिटायर जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। और या 3 वर्ष का जो है जिला जज का कोई कार्य किया हो या अतिरिक्त जिला जज के रूप में रहा हो, ठीक है ना। पहला रिटायर्ड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, दूसरा या कौन होगा डीजे या एडीजे, जो 3 वर्ष तक डीजे या एडीजे रह चुके हो उनको उनकी नियुक्ति कर सकता है, ठीक है ना। इस तरह से ये है, और 2 व्यक्तियों को एसेसरी के रूप में जो है वो नियुक्त कर सकता है सलाहकार, ठीक है, ठीक है। और अगर राष्ट्रीय अधिकरण है, केंद्र सरकार के द्वारा जो है एक जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है, और उसमें कब तक करेगा 65 वर्ष तक वो कार्यकाल उनका हो, अगर उनकी एक जो है 65 तक है तो वो कार्य करते रहे, मतलब ठीक है। अगर 60 बार रिटायर हो गए तो वो जो है आगे 65 वर्ष तक उसमें रहे, टीचर सीनियर अधिकारी के रूप में
सीरीज जो व्यक्ति होते हैं वो जो है वो स्वतंत्र व्यक्ति नहीं होते हैं, उसी से रिलेटेड होते हैं और इस तरह से जो है ये नियमकरण का वो किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका औद्योगिक विवाद का नियम 143 इसके द्वारा जो भी निर्णय होता है तो पंचायत कहते हैं कि वार्ड कहते हैं, इसका प्रभाव कहाँ तक होता है तो नियंत्रण होता है शाम तक होता है, ठीक है ना। और इसके संदर्भ में इसका जो प्रमुख विशेषताएं है वो भी हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। और क्या क्या है सेक्शन 3, 4, 5 किस तरह से ये सेक्शन आपका औद्योगिक विवाद का नियम लिखन करके रहता है, ठीक है ना। तो ये सेशन बस ये है, ओके, ऑल द बेस्ट।